हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज काफी दिनों बाद फिर मैं वही एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। कौन सा प्लेलिस्ट में आपको देखा ही होगा, दिस डेट दैट ईयर, मैंने आज ही के दिन उस साल में क्या हुआ था। ये मेरा फेवरेट है, बट डेली नहीं बना पाता हूं। तो जो लोग भी नए ज्वाइन किए हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे दिस डेट दैट ईयर, वहां से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो आज ही के दिन यानी कि 17 मई 1870 को चंदन नगर में एक शख्स का देहांत होता है, यानी कि अंतकाल होता है, यानी कि मौत होता है। वो शख्स कौन थे? उनका नाम था राधानाथ सिकदार। अब आप सोचेंगे ये राधानाथ सिकदार कौन थे? ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ओके। और मैं जब अभी जो बताने वाला ये सुनेंगे तब आपको याद आ जाएगा ये कौन थे। ये जो माउंट एवरेस्ट है, पूरा दुनिया का हाइएस्ट पीक, इसका जो हाइट है 8848 या अभी 50 बोलता है 8848 मीटर, ये इन्होंने ही उसका मापा था। अब ये इंच टेप से तो मापा नहीं होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा के इन्होंने, ये पहले शख्स थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का हाइट को मापा था। अब माउंट एवरेस्ट से हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कब कौन चढ़ा था, कुछ रिकॉर्ड्स जो कि कभी भी कोई भी एग्जाम में आ सकता है, अगर नहीं भी आता है तो आपको जानकारी कर लिए अच्छा रहेगा। माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा, और 1852 में इसका हाइट मापा गया था राधानाथ सिकदार के द्वारा। और हमेशा से माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने का बहुत प्रयास हुआ। पहली बार सन 29 मई 1953 दो जन, एक एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, जो केन विलियमसन जहां का आप देखते होंगे क्रिकेट, और नेपाल और इंडिया के थे शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। शेरपा कम्युनिटी है नेपाल और इंडिया का, जो बीच का हिस्सा है नेपाल में वो पाया जाता है। तो ये दोनों पहले शख्स थे जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया, ओके। इसके बाद तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने सबमिट किया, और ये 29th में इसी को एवरेस्ट डे के हिसाब से भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब देख लेते हैं और कुछ फैक्ट्स इसी से रिलेटेड। फर्स्ट वुमेन, ये तो मेन हो गए पहले सबमिट किया, पहली वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी? उनका नाम था जुंको तबेई, ये जापान की नागरिक थी, 1975 में ये सबमिट की थी। अच्छा, फर्स्ट मैन जो दो बार चढ़ा था, फर्स्ट मैन ट्वाइस, उनका नाम था नवांग गोम्बू शेरपा, ये दो बार, पहले इंसान जो दो बार सबमिट किए थे। अच्छा, पहली महिला जो दो बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में, ये हमारी इंडिया की संतोष यादव, ये अब याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, पहली ट्विंस यानी कि जुड़वा, ये ताशी और नांगशी मलिक, उत्तराखंड से थी ये लोग शायद, ताशी और नांगशी मलिक, ये पहली ट्विंस बनी 2013 में जो माउंट एवरेस्ट सबमिट करी, ओके। और फर्स्ट फीमेल एम्पुटी यानी कि जिनका हाथ पांव कटा रहता है, तो इनका एक पांव नहीं था, फर्स्ट फीमेल एम्पुटी जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, वो भी 2013 में चढ़ी थी, वो भी इंडियन है, ओके। अच्छा, पहले इंडियन मैन जो माउंट एवरेस्ट में सबमिट किए थे, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा, 1965 में वो सबमिट किए थे। और पहली महिला जो हिंदुस्तान, हमारे प्यारे भारत, यहां से सबमिट की थी, बचेंद्री पाल, ये भी याद रखेंगे 1985 में, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। और यंगेस्ट गर्ल फीमेल पूरा दुनिया में जो माउंट एवरेस्ट सबमिट की थी, वो भी इंडिया से ही है, उनका नाम है मालावत पूर्णा, ये 2014 में सबमिट की थी, और उस टाइम इनका उम्र था सिर्फ 13 साल 11 महीना, ओके। तो ये कुछ फैक्ट था, आप देखेंगे आप कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।